हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नेपाली स्टाइल मोमो रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमोज बनाने के लिए हम यहाँ पे 500 ग्राम कैबेज लिए हैं, 2 चॉप्ड ऑनियन एंड 1 चॉप्ड कैप्सिकम लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमोज की कीमा बनाने के लिए। कीमा बनाने के लिए हमें कैबेज में मोमोज की डो बनाने के लिए हम यहाँ 500 ग्राम मैदा और 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे। ऑयल ऐड करने से डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और हमारा मोमोज बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरह से हम अपनी सारी मोमोज बना लेंगे और बनाकर एक प्लेट में रख देंगे। मोमोज को हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, लो फ्लेम पे पका लेंगे अच्छे से। जब तक हमारा मोमोज बनता है तब तक मोमोज की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम पैन में ऑयल डाले 2 टेबल स्पून, उसमें हम लाल सूखी मिर्च ऐड करेंगे, 3-4 कलियाँ लहसुन की ऐड करेंगे और 3 बड़ी टमाटर यूज कर देंगे। आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।